एक लंबे समय पहले मथुरा नामक एक गांव में आदित्य वर्मा नामक एक जमींदार रहता था। वो आदमी बहुत ही अमीर था। उसी कारण उस गांव में सभी उसको एक बड़े बुजुर्ग का इज्जत देते थे। किसी को कोई भी मदद की जरूरत होती थी वो उन्हीं के पास जाते थे, और इसीलिए आदित्य वर्मा भी उन सब की मुसीबतों को बहुत सब्र से सुनता था और उनका हल भी निकालता था। इतना ही नहीं, अगर किसी को पैसों की भी जरूरत होती थी वो हमेशा नाक बोले बिना देता था। इसी कारण उसका नाम गांव में बहुत रोशन हुआ। गांव में सबका इज्जत पाने वाला आदित्य वर्मा अपनी बीवी कुसुमा देवी का कभी नहीं कमा पाया। उसे हमेशा यही लगता था कि उनके सारे पैसों को ये ऐसे ही गवा रहा है। इन पति पत्नी का एक बेटा भी था जिसका नाम धर्मराज था। उसके नाम के अनुसार और उसके पिता के तरह ही वो भी सबकी मदद करता था। उसके पिता के व्यापार और खेती का काम ये खुद संभालता था। अपने पिता को काम कहे बिना वो सारी मेहनत अकेले करता था। धर्मराजू को धनलक्ष्मी नामक एक लड़की से 10 साल पहले शादी करवाया था आदित्य वर्मा ने, लेकिन कुसुमा देवी को हमेशा आज तक यही गुस्सा था कि उसने अपने बेटे का शादी एक ऐसी लड़की से करवाया जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो लड़की गरीब थी। उनके शादी के हुए 10 साल होने के बावजूद उनके कोई बच्चे ना होने के कारण कुसुमा देवी धर्मराज को हमेशा यही कहती थी कि वो एक और शादी कर ले, लेकिन क्योंकि धर्मराज को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो ये विषय को अनदेखा और अनसुना कर देता था। ये सब जानकर धनलक्ष्मी अपने आप में बहुत रोती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सभी मिलकर खाना खा रहे थे, कुसुमा देवी ऐसे कहती है, बेटा धर्मराज, मैं बहुत बार तुमको कहकर थक चुकी हूँ, मेरी बात मानकर तुम दूसरी शादी करोगे कि नहीं, अभी क्या अभी बोल दो, ऐसे कहती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, खुदा को गवाह मानकर मैंने इससे शादी किया है, इसको भूलकर मैं किसी और से शादी नहीं कर पाऊंगा। तब कुसुमा देवी आदित्य वर्मा की ओर देखते हुए, सुनिए आपको क्या कहना है इस पे, आपके बेटे को आप खुद समझाओगे कि नहीं, आखिरी बार पूछ रही हूँ, ऐसे गुस्से में कहती है। अरे इतनी प्यारी जोड़ी है कुसुमा, इतनी अच्छी जोड़ी को बच्चे ना हुए इसी कारण के दोष से अलग करना है ये धर्म नहीं है कुसुमा, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, बाकी भगवान की लीला, उनका ही लिखा होगा, ऐसे कहते हैं। ये वंश यही नहीं रुकेगी। अरे गांव में सबके सामने मैं अपना मुंह नहीं दिखा पा रही हूँ, जमींदार के घर में क्या कमी है, वो ऐसे बहू को क्यों रख रहे हैं जो उनको बच्चे भी नहीं दे पा रही है, एक और शादी करने में क्या गलती है, ऐसे मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं। ये सुनकर धर्मराजू गुस्से में उठता है और, माँ अगर हमारे वजह से आपको ये सब सुनना पड़ रहा है तो मैं और मेरी बीवी इस घर से और इस गांव से ही बाहर चले जाएंगे, मुझे माफ कीजिए पापा, ये कहकर वो तुरंत अपने बीवी धनलक्ष्मी को लेकर उस घर से और उस गांव से चले जाता है। ऐसे घर छोड़कर धर्मराजू और धनलक्ष्मी वही पास में मौजूद रंगापुरम नामक गाँव में वहाँ एक खाने की शाला चलाते हुए उनका जीवन निभाते हैं। धर्मराजू और धनलक्ष्मी उनके खाने की शाला में मौजूद रसोई के लिए लकड़ी लाने हफ्ते में एक बार जंगल जाते थे। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों लकड़ी लाने जंगल जाते हैं, वहाँ लकड़ी काटते हुए धर्मराजू की मेहनत देख धनलक्ष्मी ऐसे कहती है, सुनिए आपके माँ के कहे के अनुसार अगर आप एक और शादी कर लेते कम से कम आपको ऐसे मेहनत तो करना नहीं पड़ता, ऐसे कहती है दुख में। जब मैंने तुमसे शादी किया था मैंने ये सोचकर तो नहीं किया था कि तुम मुझे बच्चे दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और ऐसा नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर लूंगा, वो मेरा धर्म नहीं है धनलक्ष्मी, मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन हमारे से घर छोड़ के आने के कारण आपकी माँ उधर बहुत बुरा मान रही होगी ना, और वैसे उनके ये चाहने में तो न्याय है ना, जैसे मेरे पिता ने कहा है ये सब भगवान का लिखा है, जो उनकी मर्जी वही हमारा भाग्य, हमें तो सिर्फ अपना काम करना चाहिए, तुम ये सब मत सोचो चलो काम करो, ऐसे कहता है। ऐसे वो दोनों बात करते करते देखते हैं कि वहाँ एक गाय घास खा रही है।
घास खाते हुए उनके पास आती है। उसे देख धनलक्ष्मी, सुनिए इतनी सुनसान जंगल में ये गाय कहाँ से आई है, ऐसे पूछती है। शायद अपने भीड़ से अलग होकर आ गई है। तो फिर हम उसको हमारे साथ ले चले, अगर ये हमारे गांव में किसी का है तो हम उनको लौटा देंगे, ऐसे कहती है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो उस गाय के पास जाकर उसे देखते हैं। इसका पूछ बला टेढ़ी क्यों है, जैसे कोई सुवर का हो, ऐसे कहता है। अब मुझे क्या पता, वैसे भी सारे जानवर एक ही तरह थोड़ी होंगे, चलिए ना अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर वो दोनों उस गाय को और लकड़ी को लेकर उनके घर चले जाते हैं। उस गाय को एक जगह में बांधकर उसको घास और पानी देते हैं। ये देख गाय बहुत खुश होता है और इसीलिए वो अपनी पूंछ को खोलकर वही मौजूद लकड़ियों को छूती है और बस तुरंत वो सब सोने में बदल जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब देख पति पत्नी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं खुशी में। अरे ये तो कोई जादुई गाय है, भगवान ने खुद इसे हमारे पास भेजा होगा, ऐसे सोचते हैं। और बस उस दिन से उस सोने से उनको जो भी पैसे मिले वो दोनों उसमें से एक भी रुपए ना लेकर उन सारे पैसों को अपने खाने की शाला में उपयोग करते हैं और भूखों को खिलाने के लिए, और ये सब भी मुफ्त में करते थे। निस्वार्थी होकर जो भी पैसे उनको मिले वो अपने आप पे उपयोग किए बिना दूसरों की सहायता करने के लिए उपयोग करने वाले इन दोनों को देख वो गाय बहुत खुश होती है। और इसी कारण जब भी उन दोनों के पास पैसे खत्म हो जाते थे, ये जादुई गाय उनके घर में मौजूद कोई भी सामान को छूती थी और बस वो सामान सोने में बदल जाता था। ये देख धर्मराजू और धनलक्ष्मी एक दूसरे से ऐसे कहते हैं, हमारे तो बच्चे भी नहीं है और इतना पैसा भी तो है, तो जिनको भी कोई पैसों की या मदद की जरूरत हो उनके लिए इस धन का हम उपयोग करेंगे। हाँ जी, हम यही करेंगे। और इतना ही नहीं, इस खाने की शाला में जो भी भूखा आएगा उसको हमेशा हम मुफ्त में खाना खिलाएंगे, वो भी पेट भर। ऐसे धर्मराज और धनलक्ष्मी उसी गाँव में नहीं बल्कि आसपास के सारे गाँव में अन्नपूर्णा नामक जोड़ी का नाम कमाते हैं। देखा धनलक्ष्मी, अगर हम घर छोड़कर यहाँ नहीं आते तो ये जादुई गाय हमें कभी नहीं मिलता और उसी के साथ इतना अच्छा नाम भी। अब इसी को भाग्य कहते हैं। हाँ जी, बच्चे ना रहने की बाधा इन सब के प्यार के सामने तो कुछ नहीं है। हाँ धनलक्ष्मी, दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है उसके सामने ये सुंदरता, अमीरता, ये सब कोई मायने नहीं रखता। ऐसे उन दोनों को इतनी अच्छी नाम देने वाली कामधेनु का वो बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, प्यार से और इज्जत से उसकी देखभाल करते हैं। नैतिक निस्वार्थियों को धर्म कोई भी रूप में बचाते ही रहता है।